एक खैरमपुर धरने पर बैठे हैं स्कूल के छात्राएं हैं, दसवीं तक की छात्राएं हैं, ग्रामीण भी बैठे हैं, स्कूल में सिर्फ दो टीचर हैं और पेपर भी शुरू हो लिए ख़त्म भी हो लिए जी। तो वहाँ के जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है उन्होंने उनको धमकी दी कि 3 तारीख यानी इलेक्शन होने के बाद तुमको देख लेंगे, चाहिए तो खड़े हो जाओ। देखिए हम तो कुलदीप बिश्नोई को ये बात कहना चाहते हैं कि भाई हमें तो देश के प्रधानमंत्री ने देख लिया, तुम्हारा जो आका है उसने देख लिया, भाई तुम कहाँ छुपे रह गए, आज तक हमें देखा नहीं है कि हम चीज क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देख लिया, फिर भी हम ये बात कह रहे हैं कि 3 तारीख का समय कुलदीप बिश्नोई का नहीं है देखने का, 3 तारीख का समय तो जनता का है, जनता देखेगी और जनता ने देखने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि जनता बावली नहीं रही। एक एक मतदाता अपने मुद्दे समझता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, ये लोग क्या बोल के सत्ता में आए थे। कुलदीप बिश्नोई जब ये कहता था बीजेपी से झूठा कोई नहीं है, बीजेपी से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, जो चुनाव लड़ रहा है भव्य बिश्नोई ये कहता था कि 600 काले दिन हो चुके हैं मोदी सरकार के, आज सरकार ठीक होगी, आज बीजेपी अच्छी पार्टी होगी। कुलदीप बिश्नोई के बयान है काले चोर पे भरोसा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। तो अब कुलदीप बिश्नोई को तो जवाब देना चाहिए, उनका भरोसा बीजेपी में कैसे हुआ, उनको 5 साल के लिए यहां जनता ने विधायक बना के भेजा, उसके बाद वो आदमपुर उपचुनाव हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेदार जनता, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कुलदीप बिश्नोई की है। तो देखने की तो बात ये है, हम तो कुलदीप बिश्नोई को कह रहे, चाहे वो हमारे किसान हो चाहे वो हमारे आंदोलनकारी साथी हो, किसी को उंगली तो लगा के दिखा देना, कोई उंगली लगाएगा कुलदीप बिश्नोई लगाएगा तो फिर कंधा सुरक्षित नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, ये कह करके जा रहे हैं आपको जी। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के अंदर, आदमपुर हल्का है कुलदीप बिश्नोई का, उसमें 5 से 6 आदमपुर हल्का जनता का है, कुलदीप बिश्नोई का नहीं है। कुलदीप बिश्नोई कहने का मतलब यह है कि भजनलाल इसके अंदर गढ़ कहते हैं लोग, भाई भजनलाल का गढ़ है, भाई गढ़ बनाना और ना बनाना वो जनता के हाथ में, गढ़ कहाँ बचे हैं, राजाओं के रजवाड़े नहीं बचे, किले के किले ढह गए, गढ़ कहाँ है, तो वो तो जनता ने, जनता को तय करना, नहीं नहीं लोकतंत्र है, जनता तय कर चुकी है, वो तो आगे का रहेगा, गढ़ रहेगा नहीं रहेगा अभी तक गढ़ बता रहे हैं, जनता तय कर चुकी है, 3 तारीख को ऐलान होगा। आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसे ही जा के जो है सरकार की पोल खोलो, लोगों की जो समस्या है वो दिखाओ, सरकार ने जो झूठ बोला है वो सबके सामने लेकर के आओ, जनता ने तय कर लिया है 3 तारीख को घोषणा होनी बाकी है। और अब तो आज कर्मचारी भी आ गए, हमें पता चला, हमारे पास भी फोन आया कि जी हम भी आ चुके हैं, कर्मचारियों से झूठ बोला, पुरानी पेंशन नीति लेकर के आएंगे। अरे भाई एक वर्ग तो ऐसा बता दो, हाँ एक वर्ग है उद्योगपतियों का, एक वर्ग है अडानी अंबानी का, और सरकार भी वही चला रहे हैं, सरकार, हाँ वो अडानी 2 नंबर पे पहुंच गया, और हमारी कमाई लगातार घट रही है, हमारी आमदनी लगातार घट रही है, हमारा हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, हमारे जो है ना खर्चे बढ़ रहे हैं, खेती करना मुश्किल हो रहा है इन हालातों में। जब ये बताइए 3 साल का किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, उनके फार्म वापिस आ जाएंगे 3 तारीख के बाद, तो फिर किसान कैसे जिएगा। तो हम तो सारे मरे पड़े हैं, और हमने सारे एक होकर के ये यहाँ का किसान मजदूर ये तय कर रहा है कि सरकार को जवाब देने का समय है, और सरकार को जवाब देंगे तो सरकार को एक मजबूत संदेश जाएगा कि किसानों को सता करके, किसानों के खिलाफ बोल करके, उनको सड़कों पे बैठा करके आप अपनी सरकार नहीं चला सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, यही सबसे बड़ा संदेश होगा जी। धन्यवाद रवि आजाद जी, आपने हमें कीमती समय दिया जी, धन्यवाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।